हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमें काफी मिलते हैं बेनिफिट्स, बट कुछ लोगों को एलोवेरा जेल फेस पे अप्लाई करने के बाद पिंपल जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास अक्सर यही क्यूरी आती है कि हम जब भी एलोवेरा जेल को अप्लाई करते हैं हमारे फेस पे तो पिंपल एक्ने जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो हमें कौन सी फेस जेल करनी चाहिए यूज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपको भी ये पिंपल एक्ने जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एलोवेरा जेल को अप्लाई करने के बाद, तो आप लोगों को एलोवेरा जेल यूज करने की बजाय कौन सी फेस जेल का करना चाहिए यूज। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो ये है नीम तुलसी जेल, नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, क्रुएल्टी फ्री। तो मेरे पास है ये गुड वाइब्स की नीम तुलसी जेल, तो आप किसी भी ब्रांड की नीम तुलसी जेल का कर सकते हो यूज अगर आपके फेस पे एलोवेरा जेल सूट नहीं करती। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका प्राइस है 175 रुपीज, इस जेल का प्राइस है। तो ये केमिकल फ्री है ये जेल, स्मेल भी प्योर आती है, तो अच्छा ऑप्शन है, आप इस नीम तुलसी जेल का कर सकते हो यूज डेली। आप इसको दिन में 2 बार भी कर सकते हो अप्लाई, तो ये अच्छा ऑप्शन है अगर जिन लोगों की स्किन पे एलोवेरा जेल सूट नहीं करती तो आप ये नीम तुलसी जेल कर सकते हो परचेज। तो अगर मैं इसके टेक्सचर और कलर के रिगार्डिंग बात करूं तो देखने में सेम वैसी ही जेल लगती है जैसे एलोवेरा जेल हो, बट स्मेल का इसमें काफी डिफरेंस है। तो ये नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है, आप इस जेल का कर सकते हो यूज। सो ओवरऑल गाइस, अगर मैं इस नीम तुलसी जेल के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बात करूं तो अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन जैसी भी प्रॉब्लम है तो भी अच्छा ऑप्शन है, आपको ये नीम तुलसी जेल का करना चाहिए यूज। अगर आपको एक्ने पिंपल जैसी भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है तो भी अच्छा ऑप्शन है, आप ये नीम तुलसी जेल का कर सकते हो यूज। तो ओवरऑल गाइस, हर किसी की स्किन को ये करती है सूट, चाहे स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन एक्ने प्रॉन है, बेस्ट ऑप्शन है एलोवेरा जेल सूट नहीं करती तो आप नीम तुलसी जेल को कर सकते हो। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं आज का टिप। तो मेरा आज का टिप इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ये है कि अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट, एक्ने प्रॉन स्किन है, ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि इस जेल को अप्लाई करने से पहले आप नीम तुलसी टोनर को अप्लाई करें। देन नीम तुलसी टोनर को अप्लाई करने के बाद आप ये नीम तुलसी जेल को अगर आप करोगे अप्लाई तो आप देखोगे कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको नीम तुलसी टोनर और नीम तुलसी जेल को एक साथ ही करना चाहिए अप्लाई। सॉरी गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। देन प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।